दोस्तों जैसा कि PSL 9 में खिलाड़ियों की बहुत अदला बदली हो चुकी है, कराची किंग वाले खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले खिलाड़ी कराची किंग में जा चुके हैं, तो वहीं पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान में आ चुके हैं, मुल्तान सुल्तान वाले क्वेटा में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल मोहम्मद आमिर, जैसा कि आपको पता है कि कराची किंग से क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आ गए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर के आते ही सरफराज ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी उनको सलाम कर जाएंगे। तो दोस्तों उनका बयान तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि PSL 9 की रिलीजिंग और रिटेन्ड ड्राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, बल्कि खत्म भी हो चुकी है, हसन अली और इमाद वसीम का तबादला हो चुका है। हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची किंग में पहुंच चुके हैं, तो वहीं पर कराची किंग से इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ चुके हैं। तो दोस्तों जी हाँ, इमाद वसीम इस दफा शदाब खान की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलेंगे। तो दोस्तों वहीं पर अगर नसीम शाह की बात की जाए, तो नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर से मुल्तान सुल्तान में आ चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में नसीम शाह इस बार खेलने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुल्तान सुल्तान ने रैली रूसफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दे दिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इस दफा रैली रूसफ खेलने जा रहे हैं, तो वहीं पर कराची किंग की तरफ से मोहम्मद आमिर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों जी हां, मोहम्मद आमिर इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलने जा रहे हैं, तो वहीं पर सरफराज भी मोहम्मद आमिर के क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आने पर बहुत खुश हैं, और उसने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी सलाम कर जाएंगे। तो दोस्तों क्या आखिर बयान दे दिया है मोहम्मद आमिर के बारे में सरफराज ने, चलें आपको बताते हैं। तो दोस्तों सरफराज अहमद ने ये बयान दे दिया है कि देखें, पहले तो मुझे ये दुख हुआ कि नसीम शाह अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ गया, तो वो मुल्तान सुल्तान में पहुंच गया, रिजवान की कैप्टनसी में खेलेगा। देखें उस खिलाड़ी को मैंने जितना सपोर्ट की है उतना कोई सोच भी नहीं सकता। नसीम शाह के पीछे मेरी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, तो वहीं पर जब उसने छोड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए अब उस दुख को पूरा करने के लिए मोहम्मद आमिर कराची किंग को छोड़कर क्वेटा ग्लैडिएटर्स मेरी टीम में आ चुके हैं। ये जो मुझे नसीम शाह का दुख हुआ था, वो मोहम्मद आमिर ने मेरी टीम में आकर वो दुख पूरा कर दिया है। देखिए मोहम्मद आमिर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलेगा, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जरूर चैंपियन इस दफा बनेगी। मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर हमारी टीम में आ गया है, तो फिर इस टीम को चैंपियन बनवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मोहम्मद आमिर जैसा कि आपको पता है एग्रेसिव बॉलर है, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करता है, ये हमारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत मजबूत बनाएगा और हमारी टीम ही इस दफा चैंपियन बनेगी। देखिए हमारी टीम इस टाइम भी स्ट्रांग है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स हर बार स्ट्रांग होती है। इस बार तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि कैसे मोहम्मद आमिर आ चुके हैं हमारी टीम में, और हमारी टीम चैंपियन जरूर बनेगी, क्योंकि जब इतने बड़े खिलाड़ी हमारी टीम में आ चुके हैं, रैली रूसफ भी आ चुका है, तब तो हमारी टीम को चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए इस दफा हमारी टीम ही चैंपियन बनेगी। तो दोस्तों सरफराज अहमद ने मोहम्मद आमिर के टीम में आते ही ये बयान जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है PSL 9 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।